नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे मंडे हम कौन से स्टॉक में ट्रेड करेंगे और उस स्टॉक की जो है टेक्निकल आउटलुक, बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस, उस बारे में चर्चा करेंगे। और कल जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका रिव्यू देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस बना रहा हूँ। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारी से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता मेरे बताए गए लेवल पर ट्रेड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी और एक जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा, फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपीज़, ऑप्शन होल्डिंग चार्जेस ज़ीरो, एक ही ट्रेड में 1000 लॉट बाय सेल कर सकते हैं, बाय का 20 सेल का 20, कैश में डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो और कमोडिटी में भी डिलीवरी चार्जेस ज़ीरो और फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपीज़। अधिक जानकारी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9862544240 में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कांटेक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम रिव्यू देख लेते हैं। कल जो मैंने स्टॉक के बारे में चर्चा किया था उसका नाम था PSP प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, बाइंग लेवल था 494.01 और सेलिंग लेवल था 477.69। तो बाइंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट हुआ था और सेकंड टारगेट डन। तो यहाँ पर हमें 4-5 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। फ्रेंड्स, आज मार्केट आप लोगों ने देखे होंगे किस तरीके का मार्केट था, थोड़े से प्लस थोड़े से माइनस, और इस तरीके के मार्केट में जो है ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। फ्लैट था मार्केट, फिर भी मेरे दिए गए इस स्टॉक में प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोग प्रॉफिट किए हैं तो आप अपनी ज़िम्मेदारी से ट्रेड कीजिए और ट्रेड करके प्रॉफिट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बिना लेवल के आप लोग ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी ना खुद बिना लेवल के ट्रेड करता हूँ ना किसी को सलाह देता हूँ कि बिना लेवल पर ट्रेड करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, कल के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया वो बात कर लेते हैं। कल के लिए मैंने जो स्टॉक सेलेक्ट किया उसका नाम है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक को सिलेक्ट करने का रीज़न हम बता देते हैं। देखिए, एक्सिस बैंक जो है 150 डेज क्लोजिंग प्राइस, 200 डेज के क्लोजिंग प्राइस और 50 डेज के क्लोजिंग प्राइस, इन तीनों ट्रेंड मूविंग एवरेज के जो क्लोजिंग प्राइस था प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक डाउन किया है, नेगेटिव ब्रेकआउट करते हुए सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट किया है फ्रेंड्स, और सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है 523.00, यानी 523 रुपये में क्लोज हुआ है। और स्टॉक जो है अभी पूरी तरीके से अपट्रेंड में है, पूरी तरीके से अपट्रेंड में है, लेकिन पोजीशन जो है अभी पोजीशन सेलिंग पे है। क्योंकि एक तो आज एक बिग बुलिश कैंडल क्रिएट हुआ और बहुत गिरावट आई थी, 15 पॉइंट से ज़्यादा स्टॉक में गिरावट आई, और गिरावट आने के बाद 150 डेज और 200 डेज को ब्रेक डाउन किया। बस हमें यहाँ पर सपोर्ट क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, एक सपोर्ट लेवल को रीटेस्ट करते हुए इसके ऊपर क्लोज हुआ है, और RSI का रेंज भी 49.38 पे है, मतलब कि मिडिल पे है ना। अभी इस जगह से बाइंग होगा ना सेलिंग होगा हम कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हैं। और स्टोकास्टिक जो है, स्टोकास्टिक भी ओवरबॉट जोन पे है, और MACD जो है MACD इनिशियल बाइंग सिग्नल पे है। तो फ्रेंड्स हम अभी कह सकते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो सपोर्ट मिल रहा है, जब तक ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक नीचे जाने की पॉसिबिलिटी कम है। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड करेंगे और लेवल के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लेवल देख लेते हैं। कल के लिए जो लेवल रहेगा, बाइंग लेवल रहेगा 541.38 और स्टॉप लॉस रहेगा 522.29, फर्स्ट टारगेट रहेगा 544.82 एंड सिक्स टारगेट रहेगा 577.45, सेलिंग लेवल रहेगा 519.07, स्टॉप लॉस रहेगा 538.16, फर्स्ट टारगेट रहेगा 515.63 और सिक्स टारगेट रहेगा 483। और 541.38 और 519.07 के बीच में, इन दोनों के बीच में जो लेवल है, इस लेवल पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना मैं किसी को सलाह देता हूँ ट्रेड करने के लिए। फ्रेंड्स हमेशा लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिए, अगर लेवल एग्जीक्यूट होगा तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन बीच में अगर आप ट्रेड करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने बाय किया शायद वो नीचे चले जाए, या फिर आपने सेल किया तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर चलाए, लेकिन अगर किसी भी लेवल को अगर वो एग्जीक्यूट करते हैं तो बाइंग लेवल को तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करती है तो से नीचे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप लोग ट्रेड कीजिएगा। और एक बात फ्रेंड्स, मेरी पेड सर्विस है, डेली मैं 4 कॉल प्रोवाइड करता हूँ 80% एक्यूरेसी के साथ। आज भी मैंने जो कॉल प्रोवाइड किया उसमें से 11 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। इस तरीके से मैं डेली कॉल प्रोवाइड करता हूँ और मंथली चार्जेस होता है 3000। अगर आप लोग इंटरेस्ट है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9862544240 में। तो फ्रेंड्स आजकल इतना से, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।